बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। किडनी जो है आपकी ये एक्सक्रीटरी फंक्शन रोल प्ले कर रही है, तो इसमें अब हम देखेंगे ये कंसंट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ये दो दफा एन मिसिंग है, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो किडनी में बनते हैं, आपकी किडनी दो तरह का यूरिन बनाती है, ठीक है। ये एक होता है डाइल्यूट यूरिन, एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है जी। तो डाइल्यूट यूरिन की बात एक दफा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि डाइल्यूट यूरिन वो होता है जिसमें वाटर की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है। और एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन जिसमें वाटर की मिकदार कम होती है। डाइल्यूट पतले को कहते हैं, कंसंट्रेटेड गाढ़े को कहते हैं, ठीक हो गया। तो जब पानी की कमी होती है इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, तो किडनी का फिर मेन फंक्शन क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अपने वाटर को कंजर्व करके रखना किडनी का मेन फंक्शन है, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इस प्रोसेस के लिए पीछे जो हम पढ़ गए हैं वो है कि किडनी का ये फंक्शन है। अभी हम ये देख रहे हैं कि किडनी ये फंक्शन प्ले कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या है किडनी का, ठीक है ना। इसमें बेटा ये दो इसमें फंक्शन प्ले हो रहे हैं, एक काउंटर करंट और एक थर्मल मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू वाटर जो है ये किडनी में अब्जॉर्ब होता है, ज्यादा अब्जॉर्ब होता है या कम अब्जॉर्ब होता है, दो तरह का इसमें उनका फंक्शन है। तो कहते हैं कि जो मैमिलियन किडनी है इसके पॉसिबिलिटी होती है कि ये 99.5% जो वाटर है उसको ये कंजर्व कर सकती है। अभी हम देखेंगे कि ये दो मैकेनिज्म यानी काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म क्या हैं और ये किस तरह से किडनी की हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब ये देखें, पहला जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लर है। इसमें क्या होता है कि ब्लड बैक मूव करता है, जो उसके अंदर दिस मैकेनिज्म कॉजेस द ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी। देखें ये ऊपर इसमें डायग्राम में मजीद चलते हैं दोबारा। ये देखें ये, अब ये जब यहाँ पर ये वाटर मूव कर रहा है तो ये यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब होता है दोबारा किडनी के अंदर चला जाता है, फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी, ठीक है ना। तो ये पहला इसका काउंटर करंट का मतलब ये है कि उसको जितनी जरूरत है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखें ना कहाँ पर, एज इट पासिस थ्रू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप जो अभी हमने देखा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ जा रही है, इसके अलावा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक हो गया। दूसरा है ये हार्मोनल मैकेनिज्म, ये उससे भी अहम है। दो तरह के हार्मोन्स हैं। देखिए किडनी का काम क्या है, वाटर को अब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को अब्जॉर्ब करना, सॉल्ट में सोडियम है इसके। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखें जो इसमें मेन हार्मोन है वो है ये एल्डोस्टेरोन। The active uptake of sodium in the ascending loop of Henle and thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone. ये bold किया हो उसने। Aldosterone ये hormone है जो कि kidney में किस जगह पर, ascending limb of Henle में। Ascending limb कौन सी है, दोबारा वापस चलते हैं, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि ये diagrams आपने 3 times बनानी है। ये ascending limb है, ये जो नीचे आ रही है ये descending है, इसमें water की absorption होती है। ये जो ऊपर जा रही है ये असेंडिंग लिम ऑफ हेनले है। तो असेंडिंग में सॉल्ट अब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग में वाटर अब्जॉर्ब होता है, सही हो गया। तो कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हमारी किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वहां से ये रिलीज होता है। द अदर साइड इन द नेफ्रॉन वेयर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है और उसको कौन प्रमोट कर रहा है, एडीएच एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन। क्या नाम है, एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन। ये एडीएच जो है ये एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन है जो कि कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट ये आपको नजर आ गई है, ये नेफ्रॉन के आखिर में यहाँ पर वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट। आगे अगर हम देखें इसमें तो एडीएच की पूरी अब्रीवेशन यहाँ पर लिखी होगी, एंटी डायरियोटिक हार्मोन होता है ये लिखा होगा एंटी डायरियोटिक हार्मोन, ठीक है। ये बेटा वाटर के अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है एंटी डायरियोटिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जितना ज्यादा रिलीज होता है उतना वाटर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है एडीएच। ये देखें
ADH is released from the posterior lobe of the pituitary gland and transport the water from the distal parts to collecting tubule. यानी दो जगह से collecting tubule और distal parts से ये urine को water को absorption में मदद करता है. जितना ADH ज्यादा release होगा, जितना ADH ज्यादा release होगा उतनी water की absorption ज्यादा होगी. तो ये बेटा एक mechanism है इसका, ये भी question आपका long में आ सकता है कि आप बताएं hormonal mechanism कौन सा और counter-current mechanism. काउंटरकरंट का मतलब है जैसे ही ब्लड नीचे जाता है उसमें जितना वाटर होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है. उसके अलावा हार्मोन्स का लेवल है. हार्मोन्स में अगर हम देखेंगे तो हार्मोन में हमारे पास जो है वो मेन चीज क्या आ जाएगी, दो हार्मोन है. एक का नाम है एल्डोस्टेरोन जिसका काम साल्ट अब्सॉर्ब करना है सोडियम वगैरह, और दूसरा हार्मोन जो है जिसका काम है ADH एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन, इसका काम जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और डिस्टल ट्यूब्यूल में वाटर की अब्सॉर्प्शन. ठीक है बेटा, जितना ये ज्यादा रिलीज होगा उतना कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. याद रखनी बात आप कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये जनाब यहाँ तक आपका दूसरा. उसके बाद अगर हम देखें ये किडनी या वैस्कुलर ऑर्गन, तो बेटा ये जो इसका रोल आएगा वो ये इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी यूरिन ये यूरिक एसिड वगैरह को ये जो रिलीज करती है वो इसका फंक्शन. आगे जनाब चलते हैं किडनी प्रॉब्लम एंड क्योर, किडनी प्रॉब्लम्स एंड किडनी क्योर. पहले हम किडनी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं. ये एन इस बुक में पता नहीं क्यों मिसिंग है, यहाँ पर एन ना. किडनी प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है. किडनी के जनाब दो बेसिक प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन बन जाता है. ठीक है, ये जो आपको बड़ा कॉमन पता है कि किडनी का स्टोन बन जाता है. अब हम देखेंगे किडनी स्टोन क्यों बन रहा है. ठीक है, तो ये दो इसकी किडनी स्टोन देखे ना, स्टोनी मटेरियल फाउंड इन द किडनी दिस कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन. ये मेन इसकी डेफिनेशन. जब कोई स्टोनी मटेरियल बन जाता है किडनी में, कोई पत्थर छोटा सा या पत्थरी बन जाती है, तो उससे फिर क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन होती है. ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को. जब यूरिन रुक जाता है तो फिर उस बंदे को पेन होना शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके गुर्दे में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके पेट में फिर वो सारा दर्द, उस वजह से फिर उसको वो स्टोन रिमूव करवाना है. अब हम पहले देखेंगे कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन कि ये बनती किस वजह से. दो कॉजेज उसने आपकी बुक में हाईलाइट की हुई हैं. पहली काज का नाम है हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं जिसमें कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है. देखे ना, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. जब कैल्शियम आपको पता है ये जब डिपॉजिट होता रहता है, किडनी का क्या फंक्शन था, किडनी का फंक्शन था कैल्शियम को स्टोर करना, सॉरी ब्लड को फिल्टर करना. जब वो फिल्टर करती है तो उस फिल्टर में अगर ब्लड में अगर कैल्शियम जाता है तो कैल्शियम का जमा होता जाएगा थोड़ा थोड़ा लेवल में, फिर वो कैल्शियम एक स्टोन सा बन जाता है. आपने देखा ना हमारे घरों में जो फिल्टर लगे होते हैं, काफी दिनों के बाद जब वो फिल्टर में से पानी गुजरता रहता है तो उसमें जितना गंद होता है वो सारा फिल्टर में अटका हुआ. इसी तरह से किडनी के में भी जो ग्लोमेरुलस होता है वो फिल्टर है, उसमें जितना फिर ये कैल्शियम का लेवल होता है वो उसमें अटक जाता है. कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से फिर उसमें क्या हो जाता है, स्टोन बन जाता है. दूसरा है हाइपर ऑक्सैल्यूरिया. हाइपर ऑक्सैल्यूरिया जो है ना हाई लेवल ऑफ ऑक्सैलेट से होते हैं. हाइपर ऑक्सैल्यूरिया ऑक्सैलेट के लेवल से फिर स्टोन बनता है. अब ऑक्सैलेट कहाँ पर मौजूद होता है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में और टमाटर में भी आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है. ठीक है, हाइपर कैल्शियम. तो दो तरह अब ये आपके एमसीक्यूज हैं कि कैल्शियम ऑक्सैलेट का जो स्टोन बनता है कितने परसेंट है, 70%. कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन जो है ये 70% बनता है. ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो कैल्शियम फास्फेट का जो स्टोन बना हुआ है वो 15% है. कैल्शियम फास्फेट का स्टोन 15% और यूरिक एसिड से भी स्टोन बनता है वो 10%. ये परसेंटेजेस आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं. तो आपको पता चल गया कि स्टोन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें तीन तरह के स्टोन हो सकते हैं. कैल्शियम ऑक्सैलेट जो कि 70% है, कैल्शियम फास्फेट जो कि 15% है, यूरिक एसिड जो कि 10%. अब ये जितने साल्ट प्रेसिपिटेटेड होते जाएंगे यानी जमा होते जाएंगे तो वो वहां पर क्या करेंगे, स्टोन बनाएंगे. दो कॉजेज हैं, हाइपर कैल्सीमिया हाई लेवल ऑफ द कैल्शियम, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया हाई लेवल ऑफ ऑक्सैलेट. तो कैल्शियम ऑक्सैलेट मेजर रोल प्ले करता है स्टोन बनाने. ठीक है, तो ये जब स्टोन बन जाते हैं तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन रुक जाता है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ जाती है. ये देखिए ना, ये स्टोन बने हुए हैं, ये स्टोन बना हुआ है, ये स्टोन बना हुआ. तो यहाँ से जब ये यूरिटर निकलना है
यहाँ पे जब ये स्टोन आ जाएगा तो यूरेन रुक जाएगा, आगे नहीं जा सके, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ये लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट है, ये कल पढ़ेंगे हम। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है रीनल फेलियर। रीनल कहते हैं किडनी को, कल भी मैंने आपको बताया था कि जहां भी लफ्ज रीनल आएगा किडनी कहते हैं, पूरी की पूरी किडनी डैमेज हो जाती है। तो केमिकल्स हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी किसी उसको कोई यानी शुगर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या कोई उसने ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की है जिसकी वजह से उसका पूरा किडनी डैमेज हो गया। ठीक है, ये जो लोग कीमो के कुश्ते वगैरह खाते हैं ना, इनसे भी बहुत ज़्यादा किडनी डैमेज होती है। ठीक है ना, दवाइयों से भी होती है, लेकिन ये जो कीमो के जो कुश्ते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो पकियाँ वगैरह लोग देते हैं, ये इनसे क्योंकि इनमें वो मकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ पर किडनी डैमेज हो जाती है। अब किडनी का कौन सा डैमेज होता है? ग्लोमेरुलस पार्ट। जब किडनी का काम क्या था? ब्लड को फिल्टर करना। जब उसने फिल्टर ही नहीं कर सकी तो उस खून के अंदर क्या शामिल हो गया? यूरिया। अब आप पढ़ के हैं यूरिया क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। जब यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बनने का ज्यादा हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है बेटा, एक किडनी स्टोन है और दूसरा रीनल फेलियर है, ये दो प्रॉब्लम है। बाकी ये जो लिथोट्रिप्सी है और डायलिसिस है, ये दो ट्रीटमेंट है। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, किडनी प्रॉब्लम। तो किडनी प्रॉब्लम में सबसे पहले किडनी स्टोन है, उसके बाद जो है वो रीनल फेलियर, ये दो बार। ठीक हो गया जी, चलो।